हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू बैंकिंग आईक्यू। और बैंकिंग आईक्यू में आज हम लोग बात करेंगे 4 मार्च 2019 के सारे करेंट अफेयर। ये वीडियो होगा हिंदी में और मेरा नाम है कुमार गौरव। चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। आज का पहला सवाल है, भरत मोहन अधिकारी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 83। ही वॉज फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ विच कंट्री। तो भरत मोहन अधिकारी, इनका निधन हो गया, ये 83 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर और सीनियर पॉलिटिशियन कौन से देश के थे? तो ये पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और सीनियर पॉलिटिशियन थे नेपाल के, ये थे नेपाल के। और अभी कुछ दिन पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश में राजेंद्र अधिकारी और 6 लोगों का डेथ हुआ था, ठीक है। और राजेंद्र अधिकारी ये भी नेपाल के टूरिज्म और सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तो आप याद रखेंगे। और नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। और नेपाल के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्यादेवी भंडारी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ वर्ल्ड मोस्ट एथिकल कंपनीज बाई द एटिस्फेयर इंस्टीट्यूट फॉर 2019। तो एटिस्फेयर इंस्टीट्यूट के द्वारा 2019 के लिए दुनिया की सबसे अच्छी एथिकल कंपनी में भारत से कौन से कंपनी को नामित किया गया है? तो भारत का एक कंपनी है जो मोस्ट एथिकल कंपनी में शामिल हुआ है 2019 के लिए, ओके। और यह है टाटा स्टील, यह है टाटा स्टील। हु इज़ अपॉइंटेड एज वेस्टर्न एयर कमांड चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो वेस्टर्न एयर कमांड चीफ भारतीय वायुसेना के कौन बने हैं? तो ये बने हैं एयर मार्शल रघुनाथ नामबियार। और ये एयर मार्शल हरि कुमार की जगह लेंगे जो अब रिटायर हो चुके हैं, ओके। और बी एस धनोआ ये इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं, ओके। और इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ हैं आर जी के कपूर। अभी आपने देखा होगा इनको 2-3 बार, ठीक है, ये इन्होंने पीसी किया है जब से इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, तो आपने देखा होगा। और सुनील लांबा ये नेवी चीफ हैं, ही इज़ नेवी चीफ, ओके। और हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे और 15 जनवरी को मनाते हैं आर्मी डे। हु बिकेम द सेकेंड मेल टेनिस प्लेयर टू विन 100 टूर लेवल टूर्नामेंट टाइटल। तो 100 टूर लेवल टूर्नामेंट टाइटल जीतने वाला दूसरा मेल टेनिस खिलाड़ी कौन बना है? तो दूसरा मेल टेनिस खिलाड़ी बने हैं रॉजर फेडरर। ये स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक, ओके। और पहला प्लेयर थे, द फर्स्ट मेल टेनिस प्लेयर टू विन 100 टूर लेवल टूर्नामेंट टाइटल वॉज जिमी कॉनर्स। तो आप याद रखेंगे ये पहले खिलाड़ी थे जिमी कॉनर्स और रोजर फेडरर दूसरे खिलाड़ी बने हैं। और राफेल नडाल ये स्पेन के प्लेयर हैं और ये भी टेनिस प्लेयर हैं और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और सेरेना विलियम्स भी टेनिस प्लेयर हैं और ये यूएसए के लिए खेलती हैं। कैबिनेट हैड अप्रूव्ड द प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फॉर एस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इन। तो कैबिनेट ने अभी एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है, ओके। और ये ऑर्डिनेंस है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का मतलब होता है कि इंटरनेशनली दो कंपनीज के बीच जब कोई डिस्प्यूट हो जाए, ठीक है, उसको सुलझाने का काम करता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, ओके। और इसका एस्टेब्लिशमेंट होगा न्यू दिल्ली में। और यूनियन कैबिनेट को हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं अभी नरेंद्र मोदी। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन। तो केंद्रीय कैबिनेट ने अभी न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट को मंजूरी दी है। तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश होगा? तो ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है राजकोट में। और राजकोट कहाँ है? तो राजकोट है गुजरात में और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की सीएम है विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर हैं ओम प्रकाश कोहली, ओके। और आप 100 रुपये का नोट देखे होंगे, उसके पीछे जो रानी की वाव है, ओके, रानी की वाव, वो भी गुजरात में ही स्थित है, तो आप याद रखेंगे उसको, ठीक है। हु लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नीटिंग एंड नीट वेयर सेक्टर अंडर पावर टेक्स इंडिया इन न्यू दिल्ली, ओके। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है नीटिंग के लिए, ठीक है ना। नीटिंग का मतलब होता है जो सिलाई कढ़ाई बुनाई होती है, बुनाई के लिए, ठीक है, बुनाई के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है, बुनाई के डेवलपमेंट के लिए। और ये किया गया है अंडर पावर टेक्स इंडिया, ये एक स्कीम है जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये जो डेवलपमेंट ऑफ नीटिंग एंड नीट वेयर सेक्टर के लिए स्कीम लॉन्च किया गया है, यह अभी हाल में न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने जो कि टेक्सटाइल मिनिस्टर है भारत की, ओके। और अरविंद केजरीवाल ये सीएम है दिल्ली के और दिल्ली के एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल।
मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि स्कीम ये कौन से राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ऐसा ये जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया है हरियाणा में, ये लॉन्च किया गया है हरियाणा में। और भारत की 22वीं एम्स 22nd एम्स ऑफ इंडिया ये बनने वाला है, इसको भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और ये बनेगा मनेठी में, और मनेठी है हरियाणा में, और हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्या, और हरियाणा में है मनेसर नेशनल पार्क। ओके, तो आप याद रखेंगे। 7th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP इंटर सेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन। तो 7वीं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये एक इंटर सेशनल मीटिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी, एनुअल नहीं थी, ठीक है। तो ये हुआ था सीम रीप में, सीम रीप, और सीम रीप कहाँ है? तो सीम रीप है कंबोडिया में, यह है कंबोडिया में, और कंबोडिया की राजधानी है प्नोम पेन्ह। ओके, और करेंसी है रियाल, और भारत की तरफ से इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था सुरेश प्रभु ने, जो कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं एंड ही इज आल्सो सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ लोन अग्रीमेंट ऑफ $926 मिलियन इन ऑर्डर टू ऑपरेशनलाइज 2 लाइन्स फॉर मुंबई मेट्रो रेल सिस्टम विद। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कौन से बैंक के साथ $926 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है, और ये जो लोन अग्रीमेंट है ये किया गया है फॉर ऑपरेशनलाइज, यानी 2 लाइन जो मेट्रो के हैं उनको बनने के लिए, उनको बनाने के लिए लोन अग्रीमेंट, ये लोन लिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन अग्रीमेंट साइन किया है ADB के साथ। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने AIIB से भी एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश, तो आप याद रखेंगे। और ADB की हेडक्वार्टर है मनीला में, और मनीला है फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो आप याद रखेंगे। PSB Loans in 59minutes.com has become largest fintech online lending platform. It was launched in the public sector bank Loans in 59minutes.com. ये भारत का सबसे बड़ा फिनटेक ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। और PSB Loans in 59 minutes का मतलब होता है कि इसमें, इस स्कीम में 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, ठीक है, और वो भी केवल 59 मिनट के अंदर। और ये MSME मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, और इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने, और ये लॉन्च किया गया था नवंबर 2018 में, और हमारे MSME मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। ओके, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो PSB लोन्स इन 59 मिनट्स है, इट प्रोवाइड लोन अमाउंटिंग अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक का लोन मिलता है इसमें टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन जस्ट 59 मिनट, यानी 1 घंटे से कम समय में आपको 1 करोड़ तक का लोन इसमें मिल सकता है। हु अज्यूम्ड चार्ज एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ ईस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो ईस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स के एयर ऑफिसर यानी कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं ईस्टर्न एयर कमांड के, ईस्टर्न एयर फोर्स कमांड के, वो हैं RD माथुर। ओके, RD माथुर और राजवर्धन सिंह राठौर ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं एंड इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, और RGK कपूर जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाइस चीफ हैं इंडियन एयरफोर्स के। हु इज़ अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू वियतनाम। तो इंडियाज एम्बेसडर टू वियतनाम इसकी नियुक्ति की गई है, ठीक है, तो ये कौन बने हैं? तो भारत के राजदूत वियतनाम में नियुक्त किए गए हैं प्रणय कुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंगला, ये भारत के राजदूत हैं USA में, ठीक है, USA में हैं। और विक्रम मिश्री ये भारत के राजदूत हैं चाइना में, और हसमुख अधिया ये अभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको चुना गया है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुने गए हैं ये बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं भारत के। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ IIT दिल्ली हैव क्रिएटेड अ लैपटॉप फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कॉल्ड, यानी आँखों से जो देख नहीं पाते हैं, जो मतलब दिव्यांग हैं, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए IIT दिल्ली के दो स्टूडेंट ने एक लैपटॉप बनाया है, ठीक है। उस लैपटॉप का नाम क्या है? तो उस लैपटॉप का नाम है डॉट बुक। ओके,
हु बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन फॉर ऑस्ट्रेलिया टू स्कोर 3 सेंचुरीज इन T20 इंटरनेशनल। तो T20 इंटरनेशनल में 3 सेंचुरी मारने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3 सेंचुरी 3 शतक लगाए हैं वो हैं ग्लेन मैक्सवेल, और ये जो तीसरा शतक था ये इन्होंने भारत के खिलाफ ही लगाया था। और एरोन फिंच ये ODI एज वेल एज T20 कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। और क्रिस के लिए पहले बैट्समैन बने हैं वर्ल्ड के जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 छक्के लगाए हैं, ओके 500 सिक्सेस। ओके जेम्स डीगल रिटायर्ड फ्रॉम बॉक्सिंग एट द एज ऑफ 33 एंड क्विट आफ्टर कम्प्लीटिंग 10 ईयर्स इन बॉक्सिंग, ही प्लेड फॉर विच कंट्री? तो जेम्स डीगल इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया बॉक्सिंग से, और ये 33 साल में इन्होंने रिटायरमेंट लिए, और 10 साल इन्होंने बॉक्सिंग खेली है, बॉक्सर रहे हैं ये, और ये खेलते थे ब्रिटेन के लिए, ये बॉक्सर थे ब्रिटेन, और ये पहले बॉक्सर थे ब्रिटेन के लिए जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे। और ब्रिटेन को ही, यूके को ही ब्रिटेन कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम इसका राजधानी है लंदन में, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है थेरेसा मे, और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और क्रिकेट वर्ल्ड कप, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ये होने वाला है इंग्लैंड और वेल्स में 2019 का, तो आप याद रखेंगे। हु इज़ reappointed as the chairman of ICC क्रिकेट कमेटी? तो ICC क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष फिर से किनको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अनिल कुंबले को नियुक्त किया गया है, और ये फॉर्मर कोच भी रह चुके हैं भारत के, याद रखिएगा, ये पहले भी थे चेयरमैन ICC क्रिकेट कमेटी के, बट जब इनकी नियुक्ति हुई थी भारतीय कोच के रूप में तो इन्होंने इनको इस्तीफा देना पड़ा था, अब फिर से इनकी reappointment हुई है, तो आप याद रखेंगे। और अभी भारतीय टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, और भारतीय महिला टीम के कोच हैं WB रमन, और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और CEO हैं डेव रिचर्डसन, ओके, और ICC के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। लीजेंडरी कंपोजर एंड पियोनिस्ट आंद्रे प्रवीण डाइड एट द एज ऑफ 89, ही हैड वन हाउ मेनी ऑस्कर? तो लीजेंडरी कंपोजर और पियानिस्ट आंद्रे प्रवीण, इनका निधन हो गया 89 साल की उम्र में, ओके okay? तो इन्होंने कितने ऑस्कर जीते थे? तो इन्होंने 4 ऑस्कर जीते हैं, ठीक है, इन्होंने 4 ऑस्कर जीते थे और 10 ग्रैमी अवार्ड जीते थे, ठीक है, 10 ग्रैमी अवार्ड और 4 ऑस्कर जीते थे, तो आप याद रखेंगे। द फेट ऑफ बटरफ्लाइज विच वॉज अनविल्ड रिसेंटली न्यू इस न्यू नोवेल ऑफ, तो द फेट ऑफ बटरफ्लाई ये अभी इस बुक का, इस नोवेल का अनावरण किया गया है, ये नोवेल किसका है? तो ये नोवेल लिखा गया है नयनतारा सहगल के द्वारा, और जब भारत में इंटॉलरेंस एपिसोड जब चल रहा था तो नयनतारा उन चंद लोगों में थी जिन्होंने अपना अवार्ड वापस किया था, तो आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है नयनतारा सहगल। और अमिताभ घोष पहले इंग्लिश नोवेल राइटर बने हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2018 में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये मनाया जाता है 3 मार्च को, ओके सो ये था आज का करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।